हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7 जनरल इंजीनियरिंग के लिए। तो आइए कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं, आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफी यूजफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, कोर्स ऑफ स्टोन प्रोवाइडेड इमीडिएटली बिलो द कॉर्निश। कॉर्निश के नीचे जो स्टोन मेसनरी होता है उस लेयर को क्या कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे फुल बिल्डिंग का आपको यहाँ पे डायग्राम दे दिया है, इससे आप लोग देखिए एक एक एलिमेंट को आप देख सकते हैं फ्रॉम फाउंडेशन लेवल टू द टॉप लेवल। अब इसमें से पूछते कौन कौन सा है फ्रिक्वेंटली वो मैं आपको बताता हूँ। पूछते हैं कोपिंग क्या होता है। तो टॉप पैरापेट वॉल पे, टॉप पैरापेट वॉल पे इस तरह का हम फाइनल लेयर रखते हैं ताकि हैंड के लिए, हैंड रेस्टिंग के लिए अच्छा रहे, इसको बोलते हैं कोपिंग। कोपिंग पूछते हैं। नेक्स्ट पूछा है ये कॉर्नाइस। कॉर्नाइस क्या है? स्लैब के नीचे आपको डिजाइन के लिए इंटीरियर रूम में लगा होता है उसको बोलते हैं कॉर्नाइस। कॉर्नाइस के नीचे जो स्टोन मेसनरी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्रीज कहते हैं, फ्रीज। ठीक है, कोपिंग समझ गए, फ्रीज समझ गए। ये दोनों जनरली क्वेश्चन में पूछते ही पूछते हैं। ये है सिल लेवल, ये वॉल है, ये कोरबेल है। कोरबेल से भी क्वेश्चन पूछते हैं कोरबेल क्या होता है। तो कोरबेल क्या होता है? स्लैब के नीचे के पोर्शन जो स्लैब को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है, यहाँ पे इसको स्लॉटेड या स्टेप्ड फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। कोरबेल भी पूछते हैं एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज कोरबेल। नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन ब्रिक मेसनरी कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रक्चर। देखिए बॉन्ड से एक क्वेश्चन जरूर आता है, जनरली इंग्लिश बॉन्ड या फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में पूछते हैं। इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है कि एक कोर्स स्ट्रक्चर का रहेगा, एक कोर्स हेडर का रहेगा। ठीक है, तो ये हेडर का कोर्स हो गया, इसके नीचे रहेगा स्ट्रक्चर का कोर्स। तो इस तरीके का जो कोर्स होता है, फिर अगेन हेडर का कोर्स। ठीक है, अब ये इसमें जॉइंट सामने आ रहा है, ऐसे प्रोवाइड नहीं करते हम, इसको यहाँ पे क्लोजर डाल के इसको आगे शिफ्ट करता ताकि ये जॉइंट सेम लाइन में फॉल ना हो। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया इंग्लिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है? सेम कोर्स में एक स्ट्रेचर और एक हेडर। तो एक हेडर हो गया, एक स्ट्रेचर, फिर एक हेडर, फिर एक स्ट्रेचर, फिर एक हेडर। इस तरीके से फ्लेमिश बॉन्ड होता है कि सेम कोर्स में ही अल्टरनेट रहता है एक हेडर और एक स्ट्रक्चर, एक हेडर फिर एक स्ट्रक्चर। बट इंग्लिश बॉन्ड में क्या है कि सेम कोर्स में आपको सिर्फ हेडर देखने को मिलेगा और या फिर सेम स्ट्रक्चर ही देखने को मिलेगा। इस तरीके से इंग्लिश बॉन्ड होता है। इंग्लिश बॉन्ड इज कंसिडर टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड अमंग ऑल द बॉन्ड। तो अगर पूछता है क्वेश्चन में, ये भी पूछा जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, तो ये इंग्लिश बॉन्ड होता है। ठीक है, हेडिंग बॉन्ड में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हेडर हेडर होंगे। स्ट्रक्चर बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ हेडर हेडर होंगे। तो हेडर बॉन्ड के लिए क्या कंडीशन है कि हेडर बॉन्ड अगर आपको सिर्फ हेडर हेडर चाहिए तो इसके लिए थिकनेस क्या होनी चाहिए? मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए? मतलब हाफ ब्रिक, हाफ ब्रिक। बट स्ट्रेचर बॉन्ड के लिए, अगर आपको स्ट्रेचर चाहिए तो स्ट्रेचर बॉन्ड के लिए वन ब्रिक की मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए वॉल की, क्वेश्चन में भी पूछते हैं। नेक्स्ट है द हॉरिजॉन्टल अपर पार्ट ऑफ स्टेप ऑन विच फुट इज प्लेस्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग एयर स्टेयर केस। स्टेयर केस के कंपोनेंट्स एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें कि कौन से कंपोनेंट को क्या कहते हैं। ये एक स्टेयर केस है, देखिए जिस पे हम पैर रखते हैं वो ये है, इसको बोलते हैं ट्रेड, और जो इसकी हाइट है इसको बोलते हैं राइजर, और एक्स्ट्रा पोर्शन जो यहाँ पे दिख रहा है इसको बोलते हैं नोजिंग, इसको बोलते हैं नोजिंग। तो नोजिंग भी पूछते हैं कि क्या होता है, तो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन जो ट्रेड पे होता है उसको बोलते हैं नोजिंग। ठीक है, ओके। और क्या पूछते हैं कि ये वर्टिकल जो दिख रहा है आपको इसको क्या कहते हैं? बॉलिस्टर कहते हैं, बॉलिस्टर कहते हैं। ठीक है, ये बॉलिस्टर है जिस पे हम हैंड रेस्ट करते हैं, हैंड सपोर्ट करने के लिए, तो इसको बोलते हैं हैंड रेल। और जो सबसे पहला वर्टिकल मेंबर होता है उसको बोलते हैं निवेल पोस्ट, निवेल पोस्ट। तो पूछते हैं कि निवेल पोस्ट क्या होता है? वर्टिकल मेंबर होता है जो स्टार्टिंग और एंडिंग में होता है। एक होता है लैंडिंग, जहां पे एक स्टेप खत्म होता है और जहां पे फिर रेस्ट करने के लिए पोर्शन होता है उसको बोलते हैं लैंडिंग। एक स्टेयर केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेयर केस, मतलब ये स्टेप्स होते हैं 3, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 12। ये स्टेप्स की संख्या भी पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो अभी आया है हॉरिजॉन्टल अपर पार्ट्स, इसको क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं, क्योंकि इस पे हम फिट रख के ऊपर की तरफ चलते हैं। नोजिंग समझ गए, फ्लाइट समझ गए, राइजर समझ गए। नेक्स्ट है द सर्फेस ऑफ अबटमेंट। अगेन आर्ट से क्वेश्चन जरूर आता है, इसके कंपोनेंट्स है कि कौन से कंपोनेंट को क्या कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाया है ताकि आप लोगों को इजिली विजुलाइज हो सके। इसमें हर एक चीज से कौन क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्यू बैक क्या होता है, क्राउन किसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा डॉस क्या होता है, इंट्रा डॉस क्या होता है, सॉफिट क्या होता है, स्प्रिंगिंग लाइन क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं अबटमेंट क्या होता है। अब इसमें क्या पूछा है? द सर्फेस ऑफ अबटमेंट, किस अबटमेंट, ये रहा
इसका कौन सा सरफेस या फिर वो सरफेस उसको क्या कहते हैं जिस पे आर्च रेस्ट करता है। तो ये अबटमेंट है, ये आर्च यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, इसको क्या कहते हैं आप देख सकते हो, इसको स्क्यू बैक कहते हैं, स्क्यू बैक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है द हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ वुड। अगेन जो पिच्ड या फिर स्लोप्ड रूफ होते हैं उसके कंपोनेंट से क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली, तो आपको इसके डिफरेंट मेंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या बोला है कि इसमें कि एक हॉरिजॉन्टल मेंबर वुड का या स्टील का जो कि सपोर्ट करता है कॉमन राफ्टर को। तो राफ्टर कौन सा है इसमें, राफ्टर ये रहा, ये है राफ्टर और ये इसको बोलते हैं रिज, और ये है रूफ कवरिंग, जो भी मटेरियल हमने रूफ कवरिंग के लिए यूज किया है वो, और इसके बीच में आपको ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ऐसे मूव करता है, इसको बोलते हैं पर्लिन। तो यही है यहाँ पे क्वेश्चन कि हॉरिजॉन्टल मेंबर वुड या स्टील का जो कि सपोर्ट करता है कॉमन राफ्टर को उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पर्लिन। सो थैंक यू ऑल, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द कुछ और क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।